साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों शारदीय नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। और आज की जो मैं रेमेडी आपके सामने शेयर कर रहा हूं आज, दोस्तों अगर इस उपाय को आप नवरात्रि में कर लेते हैं, वैसे तो इसको आप नौ दिन आपको करने हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आज के बाद में कभी भी ये वीडियो आपको मिलता है तो आप जिस दिन आपको मिलता है उसी दिन से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी असंभव इच्छा है, कोई भी असंभव मनोकामना है, धन संबंधित परेशानी है या कर्ज संबंधित परेशानी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि नवरात्रि के एंड होते होते तक आपकी वो इच्छा पूरी हो ही जाएगी। आपको ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दिन से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और नहीं तो आपको जैसे नवरात्रि के दूसरे दिन मिलता है, तीसरे दिन ये वीडियो मिलता है, जब भी मिलता है उसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूं ये आपको लौंग और इलायची से आपको करना है, ठीक है। आप इस प्रयोग को अपने घर में भी कर सकते हैं या आप चाहें तो अपने किसी कोई आसपास मंदिर है तो वहां पर भी इसको कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। और जिनके पास में अगर बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग और पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करना क्या है आपको, अगर आप पहले दिन से स्टार्ट करते हैं तो 9 लौंग आपको लेनी है फूल वाली, और साथ में आपको 9 ले लेनी है इलायची, ठीक है, और एक लेना है आपको लाल कपड़ा। अपने पूजा स्थान में माता रानी की यदि तस्वीर है तो उनके सामने या आपके जो भी ईष्ट भगवान है उनकी तस्वीर के सामने इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रयोग कर सकते हैं। 9 लौंग और 9 इलायची सीधे हाथ में आपको लेना है, ठीक है। और 9 बार आपको 2 मंत्र पढ़ने हैं। पहला मंत्र जो होगा, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये 9 बार मंत्र बोलेंगे। फिर दूसरा मंत्र आपको बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, लौंग और इलायची अपने पूजा स्थान में रख देना है। अब यदि ये वीडियो आपको यदि दूसरे दिन मिल रहा है, तीसरे दिन मिल रहा है, तो आप एक ही दिन में 3 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 3 जो 9 लौंग के जोड़े जो आप लेंगे तो उन्हीं में ये मंत्र पढ़ के 3 दिन का प्रयोग एक दिन में कर सकते हैं। और जैसे पंचमी से स्टार्ट किया आपने तो आप बाकी के 4 दिन होंगे तो एक एक बार 9 लौंग लेकर के और इस मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लें और लाल कपड़े में इसको लपेट करके अपने पूजा स्थान में रख दें। अब जब दशहरा वाला दिन आता है तो दशहरे वाले दिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी। माता रानी को आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर खीर वगैरह होती है, खीर में इलायची डाल के माता रानी को भोग लगाना है आपको। और ये जो 9 दिन की जो लौंग और इलायची आपकी इकट्ठी हुई है इनमें आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े में इसको लपेट करके अपने धन स्थान में या पूजा स्थान में रख दें। और नित्य प्रति जो मंत्र मैंने आपको बताया है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र एक एक बार डेली मतलब पढ़ करके, और इसे पोटली आपने बनाई है इसकी आपको डेली पूजा करना है। जो भी इच्छा आपकी है, जो भी आपकी मनोकामना है, माता रानी के सामने आपको बोलते रहना है। कोई भी स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, जब भी धन संबंधित कोई काम के लिए जा रहे हैं तो इस पोटली को आप पर्स वगैरह में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको इस प्रयोग को दोस्तों जब ये पोटली आप रखेंगे तो स्वच्छता का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको किसी के जन्म मरण में लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। तो स्वच्छता का आपको ध्यान देना है। आप इसको अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। और जो भी मनोकामना होगी ये पोटली जो होगी ये नवरात्रि यानी कि इस नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक इसमें एक एनर्जी रहेगी। अब इसको आपको क्या करना है, एनर्जाइज करना होगा। तो जब नेक्स्ट वाली जब नवरात्रि आएगी तो आपको नई पोटली बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको इसी तरीके से आपको डेली 9 दिन तक मंत्र पढ़ते रहना है।
जब तक ये पोटली आपके पास में रहेगी, आप देखेंगे आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा है या कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, ये प्रयोग करने के बाद में वो सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। नवरात्रि में इस प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिख दें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ, और जानकारी को शेयर जरूर कर दें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर कर दें, ताकि और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।